सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन यू वीडियो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपके भी कोई भी टेलीग्राम ग्रुप है या फिर चैनल है और उसमें आप अपने फ्रेंड को भी जैसे कि एडमिन बनाना चाहते हैं, आपका ग्रुप प्राइवेट है और आप चाहते हैं कि वो भी मैसेज कर सकें आपके जैसे ही, जैसे कि ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और इसमें ओनली फॉर मैं ही मैसेज कर सकता हूँ, और आप जैसे कि अपने फ्रेंड को भी एडमिन बनाना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। जैसे कि आपके कोई भी टेलीग्राम ग्रुप है उस पर ज्वाइन होना है, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको चैनल के लोगो पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। और चैनल को लोगो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। और पेंसिल का आइकन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे एडमिन यहाँ पे स्टोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको आपको इस पर क्लिक करना है। एडमिन स्टोर्स पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा, जैसे कि आपके कितने लीडर यहाँ पे हैं ये आपको शो हो जाएगी। जैसे कि ओनली फॉर मैं ही हूँ अभी, ओनर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और मैं चाहता हूँ एक और फ्रेंड को मैं यहाँ पे एडमिन बना दूँ ताकि वो भी यहाँ पे वीडियो या फिर कोई भी मैसेज अपलोड कर सकें। तो दोस्तों इस तरीके से ये शो हो जाएगा जो भी आपके मेम्बर्स हैं। फिर आपको यहाँ पर सर्च में आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने अपने फ्रेंड का यहाँ पर नाम लिख दिया, जैसे मैं इस पर क्लिक कर लूँगा और इस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे कि मैं इसको भी राइट का निशान दे दूँगा और जैसे ही मैं राइट कर दूँगा तो ये देख सकते हैं ये भी इस ग्रुप में लीडर हो चुका है और ये भी मैसेज कर सकेगा। इस तरीके से आप किसी भी फ्रेंड को आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में एडमिन बना सकते हैं, अगर आपका टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट है उसमें कोई भी मैसेज नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड जय हिंद वंदे मातरम।